प्यारे बच्चों, आज राजस्थान में वन्य जीवन व उनका संरक्षण। देश की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान शिकारियों का स्वर्ग माना जाता था, तथापि रियासत शासक वनों व वन्य जीवों के संवर्धन को प्रोत्साहन करते थे। लेकिन स्वतंत्रता पश्चात वनों की अनियंत्रित कटाई, वन्य जीवों के निष्प्रयोजन शिकार की प्रवृत्ति ने वनों के विचरण करने वाले पशु पक्षियों की संख्या में वृद्धि ह्रास होने लगा, तीव्र ह्रास होने लगा। कई प्रमुख जातियों के पशु पक्षी यथा पिंक हैंडेड, लिंक्स, चीता, गोडाउन आदि या पूर्ण रूपेण लुप्त हो गए अथवा उनकी संख्या में आश्चर्यजनक कमी आ गई। अतः इस स्थिति से आगाह होकर राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण की राज्य में अनिवार्य स्थान प्रदान किया गया तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का कड़ाई से पालन करते हुए बिना अनुमति के शिकार को निषिद्ध घोषित कर दिया गया। राज्य में सितंबर 1973 में लागू किया गया। वर्तमान में विश्व वन्य जीव कोष व अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन के दुर्लभ वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के उपरांत वन्य और वन्य जीव प्राणी विषय समीप समवर्ती सूची में आने के बाद केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही इसके संरक्षण हेतु कदम उठा रहे हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पशु पक्षियों का स्थल राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थल अभयारण्य कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण का दायित्व केंद्र सरकार पर होता है, जबकि अभयारण्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। यदि कोई अभयारण्य केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है तो वह अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तन हो जाता है। राज्य में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों पर जंतुआलों की स्थापना भी की गई। 1876 में जयपुर में स्थापित जंतुआला राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसकी स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा की गई। इसी प्रकार उदयपुर जंतुआला, गुलाब बाग 1878 में, बीकानेर में 1922 में, जोधपुर 1936 में, कोटा में 1934 में जंतुआला की स्थापना की गई। निम्न राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में वर्तमान तक 3 राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, केवलादेव व कोटा बूंदी में स्थापित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, नाहरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए प्रारंभिक घोषणा की जा चुकी है, किंतु इन क्षेत्रों में स्थित सभी प्रकार के निजी अधिकारों को राज्य सरकार की समीपवर्ती हो जाने के तत्काल पश्चात इन्हें विधिवत रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में प्रख्यात रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर विस्तृत इस प्राकृतिक अभयारण्य को 1 नवंबर 1980 को राज्य के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 1974 में इस उद्यान को बाघ परियोजना चयनित किया गया। यह देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना है। इस उद्यान में बाघ, बघेरे, सांभर, चीतल, नीलगाय, रींछ, चरक, चिंकारा पाए जाते हैं। वाइल्ड फंड टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम तथा विश्व प्रकृति निधि बाघ संरक्षण कार्यक्रम के तहत रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र व इसके नज़दीक क्षेत्र में अवैध शिकार की रोकथाम के लिए आम जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक इनामी योजना प्रारंभ की गई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान एक शुष्क पतझड़ वन क्षेत्र है, जहां अरावली व विंध्याचल दोनों ही पर्वत श्रृंखलाएँ मिलती हैं। इस क्षेत्र में 6 प्रमुख जिले हैं, पदम तालाब, राजबाग, मलिक तालाब, गिलाई सागर, मानसरोवर, उल्लाहपुर। रणथंभौर बाघ परियोजना विश्व बैंक व वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की सहायता से वर्ष 1996-97 इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की सहभागिता से उद्यान पर लोगों का दबाव कम करने, जैव विविधता का संरक्षण करने। यह योजना 20 जून 2004 को समाप्त हुई। आरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बाद परियोजना रणथंभौर को रामगढ़ अभयारण्य से जोड़ दिया गया। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान राजस्थान में प्रवेश द्वार के दक्षिण पूर्व में स्थित एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली, जिसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत, वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया।
इस पक्षी विहार में उथले पानी की झील का फैलाव है, जिसे जलीय वनस्पतियाँ उगी रहती हैं। झील के साथ साथ भूमि पर भी कदम और अकेसिया के पेड़ों के घने जंगल पक्षियों को आकर्षित करते हैं। यह क्रोमन क्रेन, दुर्लभ साइबेरिया सारस, ग्रीस पोचार्ड, लैम्पबिंग, बैगटेल, रोजी पेलिकन पक्षियों के समूह पाए जाते हैं। अभयारण्य स्थित पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जा सकते हैं। उसके बाद में राज्य में अभयारण्य सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य 1978-79 में बाघ परियोजना हेतु संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 पर अलवर जिले में अरावली श्रृंखला से घिरा यह अभयारण्य राजस्थान का दूसरा बाघ परियोजना क्षेत्र है। यह शेरों बाघों के अतिरिक्त सांभर, चीतल, नीलगाय, चिनकारा, चौसिंगा, शाही गौ, जंगली सुअर आदि स्वच्छंद विचरण करते हैं। इस क्षेत्र में नीलकंठ महादेव का मंदिर, लोक देवता भर्तृहरि की तपोस्थली, पांडुपोल, हनुमान मंदिर, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल टाइगर डेन स्थित है। यह अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, राष्ट्रीय मरुद्यान मरुभूमि में प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखने, वन्य प्राणियों को संरक्षित प्रदान करने और करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में दबे जीवाश्म को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 8 मई 1981 को राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया। जैसलमेर व बाड़पुर जिले में 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस उद्यान में राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। इस उद्यान क्षेत्र में प्रकृति के अद्भुत करिश्मे किलों में लाखों वर्ष पूर्व के सागरीय जीवों के 25 बुड फॉसिल उद्यान है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण संरक्षण प्राप्त राज पक्षी गोडाउन यहाँ उन्मुक्त निवास करता है। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कोटा में 50 किलोमीटर दक्षिण में विंध्यन पर्वत श्रृंखला में मुकुंदरा की पहाड़ियों में विस्तृत। यहाँ सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण और जंगली सुअर पाए जाते हैं। इस अभयारण्य के निकट गागरौन का किला, रावठा महल, दर्रा के महत्वपूर्ण बाड़ोली के मंदिर, अबलीमीणी का महल, मंदिर गढ़ के मंदिर, गागरौन अथवा हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में उदयपुर, राजसमंद व पाली जिले में फैले इस अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग 586 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य रींच, भेड़ियों व जंगली सुअर मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अभयारण्य में चौसिंगा, जिसे स्थानीय भाषा में घंटेल कहा जाता है, भी पाया जाता है। धन्यवाद बच्चों, अगला चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाए जाएंगे, आज इतना ही।